तेके तेके। कहानी की शुरुआत में जापान के नागोया में हिरोमी नाम की एक ऑफिस वर्कर रात में ट्रेन से घर जा रही होती है। उसे ट्रेन में कुछ बच्चे बैग से खेलते हुए टेके टेके के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वापस आ गई है और लोगों को आधा काट कर मार रही है। तभी वो बैग हिरोमी को लगता है। इस पर वो उन्हें बैग रिटर्न करके टेके टेके के बारे में बात करने से मना करती है। इसके बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां के ओवर पास से जाती है। तभी अचानक वो एक तेज हवा को अपनी ओर आते हुए महसूस करती है और साथ ही एक अजीब आवाज सुनती है। उसका कोई तेजी से पीछा कर रहा होता है। वो उससे डरकर भागती है और छिपने की जगह देखती है। वो वहीं एक घर के अंदर से कुछ बच्चों को टेके टेके नाम की चुड़ैल के बारे में बहस करते हुए सुनती है। फिर जैसे ही वो सड़क पर कदम रखती है, हवा फिर से तेज हो जाती है और कोई चीज उसे कमर से आधा काट देती है। इससे उसकी मौत हो जाती है। असल में ये टेके टेके ने किया था। अब सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल में, जहां हम दो स्कूल गर्ल्स काना और अयाका को बात करते हुए देखते हैं। अभी अयाका की नजर स्कूल के एक लड़के उत्सुमी पर पड़ती है, इसे वो पसंद करती है। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड काना से कहती है कि अगर तुम उत्सुकी को मेरे साथ डेट पर चलने के लिए बोलोगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक लंच करवाऊंगी। इसके बाद काना उत्सुमी के पास जाती है और उसे अयाका के साथ डेट पर जाने का पूछती है। उत्सुमी अयाका को जाने बिना ही उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि वो काना को जानता था। इसके बाद काना अयाका को बताती है कि उत्सुमी ने डेट के लिए हाँ बोल दिया है। इसे सुन अयाका बहुत एक्साइटेड होकर खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम काना को उसके घर जाते हुए देखते हैं। काना के घर में उसकी माँ होती है और काना की कजिन उससे मिलने आई होती है। इसका नाम रीनी होता है। दोनों आपस में बात करती हैं। रीनी उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काना उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे किसी के साथ रूम शेयर करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम काना और अयाका को स्कूल में बात करते देखते हैं। अयाका अपनी डेट के बारे में बात करती है कि उत्सुमी सिर्फ काना के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के पास उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं था। साथ ही बताती है कि उसने आज स्कूल से घर साथ चलने का कहा है। अब अयाका नर्वस होती है, इसीलिए वो काना को मना लेती है कि वो भी उनके साथ चले। इसके बाद वो तीनों घर जाने से पहले एक कैफे में बैठे होते हैं, जहां उत्सुमी उन्हें अपना न्यू फोन दिखाते हुए उसमें हिरोमी के मर्डर की न्यूज दिखाता है और बताता है कि उसे टेके टेके नाम की चुड़ैल ने मारा होगा। काना को टेके टेके के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उसे टेके टेके के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक भूत है। इसके लोअर बॉडी नहीं है, यानी कि निचला हिस्सा नहीं है। तुम कभी रात में ओवर पास से जाओगी तो तुम्हें टेके टेके की आवाज आएगी और वो तुम्हारी ओर आएगी। अगर तुमने उसे पीछे मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हारी बॉडी को बीच में से काट देगी। इस पर अयाका आगे बताती है कि अगर तुम उससे बच भी गए तो वो तुम्हें 3 दिन के अंदर कैसे भी मार डालेगी। ये सब बातें उन्होंने लोगों से सुनी हुई थी। इसके बाद अयाका वॉशरूम जाने का बोल वहां से चली जाती है। तब काना उत्सुमी से अयाका के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें कैसी लगी। इस पर उत्सुमी बोलता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बस तुम्हारे कहने पर उसके साथ डेट पर गया क्योंकि हम एक ही ग्रेड में हैं। ये सब बातें अयाका सुन लेती है। इसके बाद उत्सुमी अपने घर निकल जाता है और वो दोनों भी साथ घर जाने लगती हैं। अयाका काना से पूछती है कि तुम उत्सुमी के बारे में क्या सोचती हो। इस पर वो बताती है कि मुझे उत्सुमी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं बस तुम्हारे कहने पर यहाँ आई थी। इस पर अयाका गुस्से में काना से कहती है कि तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाती हो, तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। ये सब बोल वो ओवर पास वाले रास्ते से घर जाने का कह देती है। अब काना को उसके बातों से बहुत हर्ट होता है। इसके बाद हम अयाका को देखते हैं, जो ओवर पास से जाते हुए सोचती है कि उसे काना से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसे अजीब आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ टेके टेके होती है। अयाका वहाँ से भागती है, लेकिन वो गिर जाती है और टेके टेके तेजी से उसके पास आकर उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर अयाका को मार डालती है। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है, जहाँ काना अपनी फ्रेंड की डेथ होने पर सदमे में थी। तभी एक टीचर आकर उसे संभालती है और काना को पुलिस स्टेटमेंट के लिए एक रूम में ले जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम काना ही अयाका के साथ थी। लेकिन काना पुलिस को अयाका के साथ हुई लड़ाई के बारे में नहीं बताती, वो सिर्फ बताती है कि हम कल मिले थे फिर अपने घर चले गए। अब काना अयाका के बारे में कल रात हुई बात को याद करती है कि वो कैसे उसके साथ ना जाकर दूसरे रास्ते से घर गई। इसके बाद काना घर आ जाती है, जहां वो न्यूज में हिरोमी के मर्डर केस को देखती है। इसमें बताया जा रहा था कि हिरोमी के बॉयफ्रेंड को उसके मर्डर के जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन हिरोमी के बॉयफ्रेंड का स्टेटमेंट है कि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि उसने तो बिना लोअर वाली कटी हुई लड़की को देखा था। तभी तेज हवा चलकर काना के घर का गेट खुल जाता है। इससे वो बहुत डर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि उसकी मॉम आती है और काना के पास बैठ जाती है। इसके बाद हम काना को बस स्टॉप पर देखते हैं,
वो बस अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ से कुछ बच्चे निकलते हैं जो टेके टेके के ही बात कर रहे थे। जब कान्हा स्कूल से घर जा रही होती है तो उसे उत्सुमी मिलता है, जैसे वो बोलती है कि मैंने पुलिस को नहीं बताया कि मेरी उस रात अयाका से फाइट हुई थी। इसके बाद उत्सुमी कान्हा का मूड सही करने के लिए उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाता है। उत्सुमी बताता है कि जब वो अयाका के साथ डेट पर गया था तब अयाका ने मुझे बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और अगर तुम दोनों के बीच फाइट होती तो तुम नेक्स्ट डे सब भूलकर फिर से अच्छे फ्रेंड बन जाते थे। ये सुन कान्हा स्माइल करती है लेकिन अगले ही पल अयाका को याद कर रोने लगती है। इसके बाद उत्सुमी कान्हा को ड्रॉप कर देता है जहाँ से वो अपने घर जाती थी। जाने से पहले कान्हा उत्सुमी से हिरोमी के मर्डर केस के बारे में बात करती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने आधी कटी लड़की को देखा था। इस पर उत्सुमी उसे कहता है कि टेके टेके बस कहानियों में है, रियल में नहीं। उसका बॉयफ्रेंड बचने के लिए सब बोल रहा होगा। उत्सुमी कान्हा की बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद कान्हा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कान्हा उसी ओवरपास के यहाँ खड़ी होती है और अंधेरा हो चुका था। कान्हा अपनी फ्रेंड को ट्रिब्यूट करने के लिए फ्लावर लेकर ओवरपास पर जाती है। वो अपनी फ्रेंड को याद करके उसे ट्रिब्यूट करती है। दूसरी ओर उत्सुमी को ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वापस कान्हा को देखने जाता है। तभी कान्हा को कुछ आवाज आती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसा कि उत्सुमी ने कहा था कि टेके टेके को पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद टेके टेके उसके पास आती है लेकिन उसे कुछ नहीं करती। जैसे ही टेके टेके वहाँ से चली जाती है तो कान्हा अपनी आँख खोलती है, लेकिन तभी कान्हा को पीछे से अयाका की आवाज सुनाई देती है और वो गलती से पीछे देख लेती है जहाँ टेके टेके होती है। कान्हा उसे देख भागती है और टेके टेके कान्हा के पीछे पड़ जाती है। तभी उत्सुमी वहाँ पर आ जाता है। कान्हा उसके साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने को कहती है क्योंकि टेके टेके अभी भी उनके पीछे थी, लेकिन थोड़ी आगे जाकर साइकिल अनबैलेंस होकर गिर जाती है। पर तब तक टेके टेके उनका पीछा छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है जहाँ उत्सुमी को देखते हैं। इसका साइकिल से गिरने की वजह से पैर फ्रैक्चर हो गया था। कान्हा हॉस्पिटल जाकर उत्सुमी को सॉरी बोलती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है जहाँ वो एक हिस्ट्री बुक में टेके टेके के बारे में देखती है। तभी वहाँ रीनी आ जाती है। वो कान्हा को बताती है कि वो टेके टेके के ऊपर रिसर्च कर रही है। कान्हा रीनी से टेके टेके के बारे में पूछती है, जिस पर वो टेके टेके के बारे में वही बातें बताती है जो उत्सुमी और अयाका ने कही थी। कान्हा उससे और डिटेल में पूछती है, जिस पर रीनी बताती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये ककोकवा सिटी की फेमस घोस्ट स्टोरी थी। एक लेडी ने ककोकवा में सुसाइड किया था, तब से ही ये सब शुरू हुआ। आगे रीनी बताती है कि वो ककोकवा के प्रोफेसर से मिलने जा रही है जहां वो उस सुसाइड केस के बारे में उनसे बात करेगी। रीनी जाहिर ही होती है कि कान्हा से बताती है कि उसने टेके टेके को देखा है और अगले दिन उसे देखे हुए 3 दिन हो जाएंगे, यानी कान्हा के पास एक ही दिन बचा है। इसीलिए रीनी कान्हा को अपने साथ ककोकवा ले जाती है। इसके बाद वो वहाँ के प्रोफेसर से मिलती है। वो बताते हैं कि 60 साल पहले एक लड़की ने ओवरपास से कूद कर सुसाइड किया था, इससे उसकी लोअर बॉडी अलग हो गई थी और तभी से ही बिना लोअर बॉडी के भूत का ह्यूमर फैलने लगा। तभी हम कान्हा को एक डायरी में मिकासा चो की जगह माइका चो लिखते हुए देखते हैं, जहाँ उस लड़की का पहले घर हुआ करता था। इसके बाद कान्हा उसके सुसाइड करने का कारण पूछती है, लेकिन प्रोफेसर के पास इसकी कोई जानकारी नहीं होती। वो बताता है कि उसके साथ कुछ क्राइम हुआ होगा, तभी उसने ये कदम उठाया होगा। इसके बाद कान्हा उस लड़की के घर का पता पूछती है जहाँ उस लड़की के परिवार में कोई रहता हो, पर प्रोफेसर अपने असिस्टेंट टेकेडा को उनके साथ उस जगह भेजने का बोलता है ताकि वो उन्हें वहाँ तक सही सलामत पहुँचा दे। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें एक रिसर्च के बारे में बताता है कि टेके टेके को लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो अपने पास रखे रेड कलर की कोई भी चीज फेंक दें तो वो उससे बच सकते हैं, लेकिन ये कितना सही और कितना गलत है ये प्रोफेसर को मालूम नहीं था। इसके बाद हम उन दोनों को टेकेडा के साथ उस लड़की के घर पर देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी होती है। ओल्ड लेडी की माँ उस लड़की की बहन थी। वो बताती है कि हर साल कोई ना कोई कासिमा के बारे में पूछने आता है। कासिमा उस लड़की का नाम होता है। वो बताती है कि उस टाइम मैं 6 साल की थी जब कासिमा ने 19 साल की उम्र में सुसाइड किया। वो एक खूबसूरत नर्स थी। इसके बाद रीनी पूछती है कि क्या ये सच है कि कासिमा रेड कलर से दूर रहती थी। इस पर वो बताती है कि कासिमा को रेड कलर पसंद नहीं था, वो रेड कलर वाली सारी चीजें घर से बाहर फेंक देती थी। इसके बाद वो लेडी उन्हें कासिमा के सुसाइड करने का रीजन बताती है कि अमेरिकन आर्मी के लोग जब घर लौट रहे थे तब उनकी नजर खूबसूरत कासिमा पर पड़ी, जिन्होंने उसके साथ रेप किया और उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा। इसे देख वो एक ट्रॉमा में चली गई और यही उसका रेड कलर ना पसंद करने का रीजन था। फिर एक दिन ऐसे ही परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। अब उनको सारे जवाब मिल जाते हैं और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं।
इसके बाद वो टेकेडा को ड्रॉप करके अपने घर वापस जाने लगते हैं। तभी टेकेडा उनके पास आकर टेके के बारे में बताते हुए कहता है कि जब वो स्कूल में था तो उसने र्यूमर सुना था कि टेके की डेथ के बाद उस जगह पर उसका एक मेमोरियल यानी स्मारक बनाया गया था, जहाँ उसके सिस्टर रोज खाना और फ्लावर लेकर जाती थी। और जब उसकी सिस्टर की डेथ हुई तब वो मेमोरियल भी अपनी जगह से गिर गया। यही र्यूमर था कि उसी समय से टेके लोगों को मार रही है। साथ ही टेकेडा कहते हैं कि अगर वो मेमोरियल अपनी जगह वापस रखा जाए तो शायद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों उस जगह जाती है जहाँ कासिमा यानी टेके का घर था, जहाँ उसका मेमोरियल बनाया गया था। अब काना अपनी डायरी से उस जगह का नेम पढ़कर मैप में डालती है। तभी रीनी बताती है कि जब वो रिसर्च के लिए ओवरपास पर गए तो उसने भी टेके को देख लिया था। अब उन दोनों के पास ही बस 2 घंटे बचे हुए थे। इसके बाद टेके उन्हें मार डालेगी। आगे हम देखते हैं कि वो एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, इसीलिए वो टेकेडा को कॉल करके टेके के घर का पता पूछती है। टेकेडा प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर मैप चेक करता है और उन्हें जगह का नाम बताता है, जहां उन्हें पता चलता है कि काना ने डायरी में जगह का गलत नाम लिख लिया था। असली लोकेशन उनके यहां से 8 किलोमीटर दूर थी। इसके बाद टेकेडा उन्हें कॉल पर ही मैप बताता है, लेकिन तभी टेकेडा को एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है क्योंकि वो बिना परमिशन प्रोफेसर के ऑफिस में था। तभी रीनी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन टेकेडा कैसे भी करके उन्हें फोन पर बताता है कि वो राइट टर्न लेकर आगे जाएं। इसके बाद उन्हें ढूंढने पर वो मेमोरियल मिल जाता है जिस पर कासिमा लिखा हुआ था। तभी हम वहाँ टेके को तेजी से आते देखते हैं और वो दोनों उस मेमोरियल को सीधा करने लगती हैं। उस मेमोरियल को सीधा कर देती हैं और टेके उन पर हमला नहीं करती। अब वो दोनों आराम से कार में बैठी होती हैं, लेकिन तभी वो कार के पीछे टेके को देखती हैं और डर कर कार से भागने लगती हैं। टेके उनका पीछा करने लगती है। तभी काना रेड चीजें कार से बाहर फेंकने का बोलती है, और उनकी कार ही एक रेड कलर में थी, इसीलिए वो कार का अचानक ब्रेक लगा देती है जिससे टेके उससे टकरा जाती है। इसके बाद वो दोनों कार से उतरकर भागने लगती हैं, साथ ही अपने पास से सारी रेड चीजों को निकाल फेंक देती हैं। टेके अभी भी उनके पीछे पड़ी होती है। तभी वो दोनों जंगल में बिछड़ जाते हैं और काना के पास टेके आ जाती है। इसे देख काना बहुत डर जाती है। तभी काना का फोन रिंग करता है। जैसे ही वो फोन निकालती है तो देखती है कि उसका की चैन रेड कलर का है। अब जैसे ही टेके उस पर हमला करने वाली होती है तो वो अपने फोन को फेंक देती है और टेके वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं और एक दूसरे को जिंदा देख खुश होते हैं। रीनी काना के पास आ रही होती है, लेकिन एक कांटे वाले पेड़ के पास से निकलते वक्त उसके सर पर कांटे लग जाते हैं, इसके कारण उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। अब क्योंकि ब्लड का कलर रेड है, इसीलिए टेके वहाँ तेजी से आकर काना के सामने ही रीनी की बॉडी के 2 टुकड़े कर उसे मार डालती है। जैसे उसने हिरोमी के रेड की चैन को देख और अयाका के रेड बैग को देख मारा था। आगे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे काना के घर के सामने से बात करते हुए निकलते हैं कि यहाँ एक पागल लड़की रहती है जो रेड कलर की चीजें खिड़की से फेंकती रहती है। वहीं हम टेके को भी घर के पास से जाते हुए देखते हैं, यानी वो अभी भी काना को मारने की फिराक में है। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद का होता है, जहाँ टेकेडा काना के घर से मिलने आता है। काना की माँ उसे बताती है कि वो अपने कजिन की डेथ के बाद सदमे से बाहर नहीं आई है, वो हमेशा अपने रूम में रहती है। टेकेडा उससे मिलने रूम में जाता है और अपने साथ उसके लिए स्वीट्स लाया होता है क्योंकि वो अब प्रोफेसर बन गया था। काना उन स्वीट्स के बॉक्स को देख तेजी से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो बॉक्स रेड कलर का था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।